ऑडियो क्रमांक एक, पुस्तक का नाम जीवन साधना के 14 स्वर्णिम सूत्र, बुक कोड HINR 0661, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पहला, आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास मानवीय नैतिकता का मेरुदंड है, उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कर्मफल सिद्धांत आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। तत्काल कर्मफल न मिलने की छूट देकर मनुष्य की निजी गरिमा परखी गई है। अन्यथा तत्काल कर्मफल की व्यवस्था रही होती तो मनुष्य दंड भय से एक जैसे बने रहते और उनका निजी स्तर निखर न पाता। कर्मफल तत्काल मिलते न देखकर लोग इस भ्रम में पड़ते हैं कि वे सदा ही अपनी चतुरता से बचे रह सकते हैं और मनमानी स्वार्थपरता एवं अनीति में लगे रह सकते हैं। इसी भ्रम में मनुष्य कुमार्गगामी बनता है। अस्तु, जनमानस में ईश्वरीय शासन की आस्था दृढ़ता पूर्वक जमी रहनी चाहिए। उसके सर्वव्यापी निष्पक्ष न्यायकारी मानने से कर्मफल, परलोक, पुनर्जन्म के तीनों सिद्धांतों पर विश्वास जमता है। यही वह आत्मनियंत्रण है जिस अंकुश से मनुष्य स्वेच्छापूर्वक सन्मार्गगामी बना रह सकता है। इस आस्था को गवा देने पर मन पर अनीति के प्रति निर्भयता उत्पन्न हो जाती है और राजदंड से बच निकलने की तरकीबें भिड़ाकर मनुष्य लुक छिपकर कुछ भी करने पर उतारू हो सकता है। ईश्वर उपासना की आवश्यकता प्रधानतया इसीलिए है कि नियामक सत्ता के अनुग्रह का लाभ और रोष का भय बना रहे, ईश्वरीय आदेश की स्मृति बनी रहे, उस जैसा उदात्त और व्यापक बनाने का लक्ष्य ध्यान में रहे, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने पर उसके वर्चस्व का अंतःकरण में उतरने का दिव्य अनुदान मिलता रहे। यहाँ यह भी स्मरण रखा जाए कि पूजा पाठ के कर्मकांड मात्र से पाप कर्मों के दंड से बच जाने और पात्रता न होते हुए भी मनचाही कामनाएं पूरी होते रहने की प्रचलित मान्यताएं सर्वथा निरर्थक हैं। अग्नि की समीपता से अग्नि जैसी विशेषता प्राप्त करना ही आस्तिकता एवं उपासना का प्रमुख लाभ है। इस विश्वास को स्थिर रखने एवं परिपुष्ट रखने के लिए मन पर जमने वाले कषाय कलमशों को नित्य धोने के लिए उपासना नित्य कर्म में सम्मिलित रहनी चाहिए। अपने परिवार में आस्तिकता का वातावरण बनाया जाए। गायत्री माता को ईश्वरीय सत्ता का, मानवीय आदर्शवादिता का प्रतीक मानकर उसके चित्र के सम्मुख नित्य मस्तक झुकाना, न्यूनतम 5 मिनट इस सद्बुद्धिदायक मंत्र का मानसिक जप एवं सविता देव के प्रकाश का नित्य ध्यान अपने संबंधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए। आस्तिकता का वातावरण हर घर में, हर मनुष्य के मन में बना रहे, इसके लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। क्रमांक दो, आध्यात्मिकता, आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा। अपने गौरव एवं वर्चस्व को सदा ध्यान में रखा जाए। अपनी मूल सत्ता को ईश्वर का पवित्र एवं समर्थ अंश माना जाए। अपने भीतर छिपी अगणित विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए और उन्हें जागृत करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता को अपनी सबसे बड़ी पूजा समझा जाए और इस आधार पर उत्पन्न हुई आत्मशक्ति की मात्रा को जीवन की वास्तविक सफलता अनुभव किया जाए। शिष्टता, सज्जनता, शालीनता, सहृदयता, चरित्र निष्ठा, उदारता जैसी सत्प्रवृत्तियों से अंतरात्मा को अलंकृत करने के लिए अनवरत प्रयत्न किया जाए। जो निकृष्ट पशु प्रवृत्तियां
अपने स्वभाव अभ्यास में छिपी बैठी हों उन्हें पैनी दृष्टि से ढूंढा जाए और दृढ़तापूर्वक उन्हें निरस्त किया जाए। केवल पाप और परमेश्वर के दंड से डरा जाए, केवल आत्मपतन से बचा जाए, शेष सर्वत्र निर्भय रहा जाए। भीरुता एवं कायरता को मनुष्यता का कलंक माना जाए। निराशा, चिंता, आशंका, उद्विग्नता जैसी कुकल्पनाएं मनोबल गिराती और अगणित हानियां उत्पन्न करती हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए। सदा उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखे जाएं, सर्वतोमुखी प्रगति के लिए प्रबल पुरुषार्थ करते रहने का स्वभाव बनाया जाए। दूसरों के द्वारा अपना हित अनहित बहुत ही स्वल्प हो सकता है, यह मानते हुए आत्मनिर्भर बना जाए। अपने भाग्य का निर्माणकर्ता मनुष्य स्वयं है, इस तथ्य को पूरी तरह हृदयंगम रखा जाए। हर दिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण एवं आत्मविकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति की समीक्षा और प्रगति की भावी योजना बनाने की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रखी जाए। आत्म परिष्कार की दिशा में यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। आज की अपेक्षा कल अपना व्यक्तित्व अधिक प्रखर और अधिक पवित्र बन सके, इसके लिए अदम्य उत्साह और प्रयास में कमी कदाचित भी न आने दी जाए। मनुष्य शरीर को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार और 84 लाख योनियों की लंबी श्रृंखला का अनुपम सौभाग्य माना जाए। समझा जाए कि इतना साधन संपन्न शरीर सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला, इसमें ईश्वर का पक्षपात नहीं, वरन विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपकर प्रामाणिकता परखना ही एकमात्र कारण है। यह धरोहर ईश्वर के इस विश्व उद्यान को अधिक सुविकसित, सुसंस्कृत बनाने में हाथ बटाने के लिए मिली है। इस समानता को लोभ, मोह और वासना, तृष्णा की संकीर्ण स्वार्थपरता में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, वरन अपने को अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए पूर्णता के स्तर तक पहुंचने में, लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़े अनुदान देने में जीवन की सार्थकता माननी चाहिए। क्रमांक 3, धार्मिकता, कर्तव्यनिष्ठा। मानवी गरिमा को उच्च स्तरीय धर्म कर्तव्यों से पूरी तरह जकड़ा माना जाए। नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को कठोर अनुशासन में बांध कर रखा जाए। उच्च श्रृंखलता, उद्दंडता, अनैतिकता अपनाने की पशु प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष आत्मपतन माना जाए, और पिछले दिनों ऐसा कुछ बन पड़ा हो तो उस पर पश्चाताप किया जाए। अनैतिक आचरणों से व्यक्ति विशेष को ही नहीं, समूचे समाज को क्षति पहुंचती है, इसलिए जो अपने से हो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का साहस जुटाया जाए। पापों के रूप में पतन की दिशा में जो बन पड़ा है उसी के समतुल्य सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने वाला पुण्य परमार्थ करके ही पिछले पापों का प्रायश्चित हो सकता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्य पालन में तत्परता बरती जाए, और जो व्यवधान इस मार्ग में आड़े आते हों उन्हें हटाया जाए। शरीर को स्वस्थ रखने का कर्तव्य पालन करने के लिए आहार विहार का संयम बरता जाए। आलस्य प्रमाद को शत्रु माना जाए और उन कुकर्मों से स्वयं को रोका जाए। मन को स्वस्थ रखने के लिए अचिंत्य चिंतन एवं मनोविकारों से बचा जाए। धनोपार्जन में नीति, न्याय और औचित्य का ध्यान रखा जाए। परिवार को सुगठित, सुविकसित, सुसंस्कृत, सहचरी संगठन रूप में विकसित करने के लिए
अपनी ओर से भरपूर प्रयत्न किया जाए। बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह देने में कृपणता न की जाए। उनकी आर्थिक सुविधाओं का ही नहीं, सद्गुणों की संपदा विकसित करने एवं सुसंस्कारी बनाने के लिए भी पूरी तरह सचेष्ट रहा जाए। स्मरण रखा जाए कि शरीर यात्रा परिवार निर्वाह एवं अर्थ उपार्जन तक की छोटी परिधि तक सीमित रहने के लिए ही मनुष्य जीवन नहीं है, उसकी सफलता और गरिमा व्यापक बनने में है। देश धर्म समाज संस्कृति और विश्व मानवता के लिए भी उसके कर्तव्यों की परिधि तथा तौल उतनी ही बढ़ती जाती है जितना कि उसका आत्मविकास होता है। अपने समय की व्यापक समस्याओं का समाधान करने के लिए अवांछनीयताओं को निरस्त करने एवं उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए भी योगदान दिया जाए। शरीर और परिवार के उत्तरदायित्व निभाने से कम सामाजिक एवं नैतिक कर्तव्यों को न माना जाए। धर्म को प्रथा परंपराओं के बंधन में न बांधा जाए, उसे मानवीय कर्तव्य पालन के रूप में देखा समझा जाए और सच्चे अर्थों में धार्मिक बना जाए। क्रमांक 4, प्रगतिशीलता आत्मोत्कर्ष। अपने ज्ञान अनुभव एवं दृष्टिकोण का विकास परिष्कार उतना ही आवश्यक है जितना आरोग्य संरक्षण और अर्थ उपार्जन। मनुष्य की वास्तविक पूंजी उसकी आत्मिक प्रखरता ही कही जा सकती है, अस्तु इस दिशा में अपने प्रयत्न अनवरत रूप से चलते रहने चाहिए। हमें विचारशील दूरदर्शी होना चाहिए और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर हर बात की यथार्थता समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण रखने से भ्रमपूर्ण स्थिति मस्तिष्क पर छा जाती है और उसके प्रभाव से अनुचित निर्णय हो जाते हैं, जिनका परिणाम पीछे पश्चाताप करने जैसा ही सामने आता है। हमें सर्वत्र सत्य की खोज करनी चाहिए और उचित निर्णय लेने चाहिए। ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से हर दिन ऐसा साहित्य पढ़ने का नियम बनाना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत बनाने में तथा सामाजिक समस्याओं के हल करने में उपयुक्त मार्गदर्शन कर सके। ऐसा स्वाध्याय मानसिक भूख बुझाने के लिए दैनिक आहार की तरह ही आवश्यक समझा जाए, उसके लिए नित्य कुछ समय निर्धारित रखा जाए। आत्मसमीक्षा के लिए मनन और आत्मनिर्माण के लिए चिंतन अनिवार्य नित्य कर्म माना जाए। स्वाध्याय की तरह उसके लिए कोई समय प्रातः आंख खुलते ही और रात्रि को सोने का समय सुनिश्चित रखा जाए। यह दोनों संध्या काल माने जाएं और उन्हें ब्रह्म विद्या के आत्मनिर्माण के पुनीत कार्य में ही लगाया जाए। दोनों समय 15-15 मिनट तो इस कार्य में लगाने ही चाहिए। उठते ही जीवन के महत्व एवं उद्देश्य को भावनापूर्वक स्मरण किया जाए और आज के दिन को नया जन्म मानकर उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की योजना बनाई जाए। एक ही दिन जीने को मिलता तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता, इस मान्यता के आधार पर हर दिन की श्रेष्ठतम दिनचर्या और कार्य पद्धति निर्धारित की जाए, यह चिंतन हुआ। रात्रि को सोते समय दिन भर के कार्यों की समीक्षा की जाए, जो सही हुआ हो उस पर संतोष माना जाए और जो भूले रही हों उन्हें आगे न करने के लिए पूरा ध्यान रखने की बात सोची जाए। सोते समय मृत्यु की गोद में विश्राम पाने की वैराग्य की भावना लेकर सोया जाए। शरीर और आत्मा की मित्रता एवं उपलब्ध वस्तुओं को ईश्वर की अमानत भर समझने की मान्यता कल्पना में अति स्पष्टता पूर्वक उतारी जाए।
अपने को माली, चौकीदार, ट्रस्टी, खजांची भर मानने की बुद्धि रखकर ही कर्तव्यनिष्ठ जीवन जिया जा सकता है। अस्तु रात्रि के समय इसी प्रकार के कल्पना चित्र संजोते हुए सोया जाए, यह मनन अपना नित्य कर्म होना चाहिए। क्रमांक 5, संयमशीलता, इंद्रिय निग्रह। शरीर में जुड़ी ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया, ज्ञान वृद्धि, औचित्य का निर्णय, उत्साह, प्रयत्न, निर्वाह के उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देने के लिए है। उनका सही कार्य में सही उपयोग करके ही उस लाभ से लाभान्वित हुआ जा सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने इन्हें प्रदान किया है। इंद्रिय शक्ति के दुरुपयोग से असंयम में केवल हानि ही हानि है। जीभ को मिर्च मसाले और पकवान मिष्ठान्नों का आदि बनाकर असंयम, अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ पेट में भरे जाते हैं, फलतः अपच उत्पन्न होता है और तरह तरह के रोग खड़े होते हैं। तामसिक, राजसिक आहार में धन, समय और स्वास्थ्य की बर्बादी अत्यंत स्पष्ट है। जैसा अन्न वैसा ही मन की उक्ति सर्वविदित है। आहार की सात्विकता का प्रभाव साधक की मनोभूमि पर सीधा पड़ता है। जीभ का चटोरापन रोके बिना इन हानियों से नहीं बचा जा सकता। समझदारी इसी में है कि कड़ी भूख लगने पर सात्विक और सुपाच्य आहार ही उचित मात्रा में ग्रहण किया जाए। ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन किया जाए। ओजस का कामुकता के क्षणिक मनोरंजन में अपव्यय करना बहुत महंगा सौदा समझा जाए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य पालन की उपयोगिता स्वीकार की जाए और आचरण में लाया जाए। मानसिक व्यभिचार शारीरिक बर्बादी से भी बुरा है। चिंतन की उत्कृष्टता इसी में है कि कामुकता की विकृति को मनः क्षेत्र से जितना हटाया जा सकता हो उतना हटाया जाए। पति पत्नी एक दूसरे को सहोदर भाई या घनिष्ठ मित्र, जीवन साथी की तरह माने। परस्पर कामोत्तेजक दृष्टि से न देखा जाए। एकांत समय भी उपयोगी विषयों की चर्चा में लगाया जाए। सौंदर्य को पवित्र दृष्टि से देखा जाए। पुरुषों का दृष्टिकोण नारी के प्रति बहन, बेटी मानकर ही तथा नारी पुरुष को भाई, पुत्र या पिता की दृष्टि से देखे। बालकपन, किशोरावस्था, प्रौढ़ता, वृद्धावस्था में अपने अपने स्तर के सौंदर्य उभरते हैं, उन्हें प्रकृति परिवर्तनों की तरह देखना और प्रसन्न होना पर्याप्त है। युवकों अथवा युवतियों के सौंदर्य का कामुक उपयोग की दृष्टि में अश्लील चिंतन करना, अपनी दृष्टि को अपवित्र करना, मस्तिष्क में अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न करना तथा सामाजिक मर्यादाओं को अस्त व्यस्त करना ही है। इस दिशा में भड़काने वाले साहित्य, चित्र, व्यक्ति आदि को हानिकारक कुसंग समझा जाना चाहिए और उनसे बचा रह जाना चाहिए। इंद्रिय में स्वाद और कामुकता की विकृतियां ही प्रधान हैं। अन्य ज्ञानेंद्रियों के उपद्रव तो थोड़े से ही होते हैं और वे सहज में सुधारे जा सकते हैं।